हेलो फ्रेंड्स, मैं रुद्रा स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब फैमिली योगा साथी में, जहां पर आपको हर हफ्ते एक नया योगासन सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड, हमारे एक योग प्रैक्टिशनर ने कमेंट करके बताया कि उन्हें पद्मासन सीखना है, तो इसलिए आज हम सिर्फ पद्मासन के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि बिगनर्स इसकी प्रैक्टिस कैसे स्टार्ट करें और एडवांस प्रैक्टिशनर को भी ये प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि पद्मासन के बाद जो होने वाले एडवांस आसन है, जैसे पद्मबक आसन हो गया, पद्मयूर आसन हो गया, सर्वांग आसन में पद्मासन हो गया, या फिर शीर्षासन में पद्मासन, हैंड स्टैंड में पद्मासन, ये सारे आसन जब भी अच्छी तरह कर पाओगे, जब अगर पद्मासन एक एक्यूरेट और कंफर्ट जोन में आप कर लोगे तभी ये वाले आसन होंगे। तो फ्रेंड, इसके लिए मैं आपको चार प्रैक्टिस बताऊंगा। अगर ये चार प्रैक्टिस डेली रेगुलरली और अच्छी तरीके से करोगे तो आपका पद्मासन जरूर हो जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं पद्मासन के लिए फर्स्ट प्रैक्टिस में हम एंकल की एक्सरसाइज करेंगे। जनरली पद्मासन जब हम लगाते हैं तो एंकल में बहुत ज़्यादा पेन होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि एंकल के जॉइंट हमारे रिजिड हो रखे होते हैं, फिक्स हो रखे होते हैं। हमें सबसे पहले उनको प्रैक्टिस करके उनके फ्लेक्सिबल बनाएंगे ताकि पद्मासन हमारा इजी से हो। उसके लिए हम सबसे पहले आराम से सीधा बैठ जाएंगे और पैरों के पंजों को एक बार सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे, बिल्कुल ऐसे, इस तरीके से, बिल्कुल मैक्सिमम एक बार पीछे की तरफ, बिल्कुल जितना हो सके आगे पीछे, एक बार आगे की तरफ मैक्सिमम खींच के रखो, एक बार पीछे की तरफ, फिर आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ, इस तरीके से हम 10-15 बार आगे पीछे करेंगे। उसके बाद हम दाएं बाएं पैरों में थोड़ा सा गैप बढ़ाएंगे, 1-1.5 फीट का गैप, और एक बार हम पैरों को अंदर की तरफ बिल्कुल ऐसे मैक्सिमम घुटने सीधे रखने, फिर एक बार ऐसे बाहर की तरफ, एक बार अंदर की तरफ, एक बार बाहर की तरफ, एक बार अंदर की बार, इसकी भी हमें 10 से 15 बार प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस करने के बाद लास्ट हमें दोनों पैरों को आपस में मिलाना है, उसके बाद रोटेशन दे रहे हैं, एक बार एंटी क्लॉकवाइज और एक बार क्लॉकवाइज, ऐसे मैक्सिमम जिस भी डायरेक्शन में जाएंगे मैक्सिमम स्ट्रेच करेंगे। जितना ज़्यादा आप स्ट्रेच करके करोगे फ्लेक्सिबल उतनी ही जल्दी भी होगा और उतनी अच्छी तरीके से भी फ्लेक्सिबल। इसलिए एक बार इस डायरेक्शन में, एक बार दूसरी डायरेक्शन में, यस, ये प्रैक्टिस हमें सबसे पहले एंकल एक्सरसाइज करने है। वापिस फर्स्ट प्रैक्टिस के बाद स्टार्ट करते हैं सेकंड प्रैक्टिस हमें पेल्विक रीजन की एक्सरसाइज करनी है। इसकी एक्सरसाइज हम जितनी अच्छी तरह करेंगे हमें पद्मासन लगाने में उतना ही आसानी होगा। इसके लिए हमें क्या करना है, अपने राइट पैर को फोल्ड करते हुए इस तरीके से देखो, इस पंजे को अपने कोहनियों के पास ग्रिप बनाएंगे और दूसरे को भी इस कोहनी के पास ग्रिप बना के अपने दोनों फिंगर्स को ऐसे इंटरलॉक कर लेंगे। उसके बाद जैसे हम बच्चे को हिलाते हैं ना, उस तरीके से हिलाना है, अपनी कमर सीधी रखे, चेस्ट फॉरवर्ड ऐसे खींच के ये रोलिंग करना है। जैसे अब रोलिंग करो यहाँ पे, ये देखो, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट। इसकी रोलिंग जितनी अच्छी तरह करेंगे हमारा पेल्विक रीजन उतना ही ओपन होगा, जो कि पद्मासन लगाने में बहुत ज़्यादा मददगार रहेगा। वापिस और सेम प्रैक्टिस फिर दूसरे पैर से, इस तरीके से हमें दोनों पैर से दो तीन राउंड लेना और हर राउंड में हमें कम से कम 15-15, 20-20 बार रोलिंग करना है ताकि पेल्विक रीजन की एक्सरसाइज अच्छी तरीके से हो। वापस तो फ्रेंड, फर्स्ट और सेकंड प्रैक्टिस के बाद स्टार्ट करते हैं थर्ड प्रैक्टिस में हमें अपने एक पैर को फोल्ड करते हुए जैसे अर्ध पद्मासन लगाते हैं, उस तरीके से हमें दूसरे पैर के ऊपर रखना है। इस तरीके से ऊपर रखने के बाद, अपने क्लोज रखने के बाद, अब घुटनों को पकड़ते हुए दोनों हाथों से एक बार ऊपर चेस्ट में लगाना है। कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कमर बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। एक बार नीचे की तरफ पैर जमीन पर लगाना है, फिर ऊपर की तरफ लगाना है, फिर नीचे की तरफ, एक बार ऊपर चेस्ट पे टच करना है, एक बार नीचे जमीन पे, ऊपर नीचे, और ये वाला पैर पीछे की तरफ होना, पेट के बिल्कुल नज़दीक, भले ही आप पेट पे टच करके रखो। वापिस और सेम प्रैक्टिस फिर दूसरे पैर से। फ्रेंड, इसकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी तरह करेंगे, एक तो हमारे जो घुटने के जॉइंट्स हैं वो ओपन होने लगेंगे, दूसरा पेल्विक रीजन की और भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस होगी। जब आप इसको बिल्कुल क्लोज रखोगे तब आपकी नी जॉइंट्स जो होते हैं वो अच्छी तरह खुलेंगे, और जब अप डाउन करोगे तो आपकी पेल्विक रीजन की एक्सरसाइज अच्छी तरह होगी। वापिस स्टार्ट करते हैं पद्मासन के लिए फोर्थ प्रैक्टिस में हमें भद्रासन बटरफ्लाई पोज में रोलिंग करना है, वो इस तरीके से करना है। अपने दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए आपस में पैरों को जोड़ेंगे, उसके बाद अप डाउन रोलिंग करेंगे, देखो इस तरीके से। ये प्रैक्टिस जितनी आप अच्छी तरीके से करोगे आपका पेल्विक रीजन और नी जॉइंट की एक्सरसाइज उतनी ही अच्छी तरीके से होगी। ये रोलिंग कर रहे आप 20 बार 30 बार 40 बार जितनी करोगे उतना ही अच्छा है, ये पेल्विक रीजन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, वुमेन्स के लिए तो सबसे अच्छा है ये आसन। उसके बाद अपने चेस्ट को आगे खींचते हुए आगे की तरफ फॉरवर्ड, जितना आप झुक सकते हो, जितना आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ते रहे और कोशिश करें कि सिर को ऐसे ज़मीन पर लगा पाएँ। इससे क्या होगा, आपका पेल्विक रीजन बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ओपन होगा, जो कि पद्मासन के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। वापस तो फ्रेंड, जैसे कि आपने देखा ये चार प्रैक्टिस करके आप पद्मासन को बहुत ही आसानी से और एक एक्यूरेट ढंग से कर सकते हैं। बस आपको ये प्रैक्टिस डेली करना है, रूटीन में करना है, रेगुलरली और अच्छी तरीके से करना है, आपका पद्मासन डेफिनेटली हो जाएगा। पद्मासन करने के अन्य शारीरिक फायदे भी हैं, जैसे पद्मासन करने से आपका पेट के मसल्स
मजबूत होते हैं, आपके रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, क्योंकि जब आप पद्मासन लगाते हो तो ब्लड सर्कुलेशन नीचे की तरफ रुक जाता है और वो अपर बॉडी में होता है, जिससे कि आपकी अपर बॉडी मजबूत होती है। और पद्मासन एक ध्यानात्मक आसन के लिए सबसे उत्तम आसन माना गया है। और पद्मासन के लिए कुछ सावधानी भी बरतनी ज़रूरी है, जैसे कि जिनके एंकल जॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, नी जॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, या फिर साइटिक का पेन है, या फिर जिनकी वेरिकोज वेन के पेशेंट हैं, उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। इनके नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपको पड़ सकते हैं। तो फ्रेंड, कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट में उस आसन का भी नाम बता सकते हैं जो आसन आप सीखना चाहते हैं। मैं ज़रूर प्रयास करूँगा कि इसी वीडियो की तरह दूसरी वीडियो भी बनाऊँ उस आसन की, जिससे कि आपको वो आसन आसानी से हो। तब तक फ्रेंड ये वीडियो देखते रहें और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।